वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर आरपीएफ थाने ने चंद्रपुर जिले में रहने वाली एक स्त्री को फिर से ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। ऐसी जानकारी प्रभारी निरीक्षक आरएल मीना ने साझा की। बुधवार को वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से निरीक्षक आरपीएफ थाना नागपुर को मैसेज प्राप्त हुआ कि एक गुमशुदा महिला का ट्रेन नंबर 02616 से यात्रा करने की संभावना है तथा साथ में उसका फोटो भी प्राप्त हुआ तथा उस महिला की मिसिंग रिपोर्ट जीआरपी श्यामगढ़ मंडल इंदौर में मिसिंग रिपोर्ट के अनुसार दर्ज है। प्राप्त मैसेज के अनुसार निरीक्षक आरपीएफ थाना नागपुर के द्वारा शिफ्ट इंचार्ज व पार्टी इंचार्ज को स्टाफ के साथ ट्रेन को सर्च करने के लिए आदेशित किया गया। बाद में निरीक्षक आरएल मीना, उप निरीक्षक एचएल मीना, सह उप निरीक्षक बीएस बघेल, सह उप निरीक्षक सीताराम जाट, महिला प्रधान आरक्षक उषा तिंगा व स्टाफ तथा जीआरपी स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर समय लगभग 10:30 बजे ट्रेन नंबर 02616 के आगमन पर सभी के द्वारा चेक किया गया, किंतु उप महिला दिखाई नहीं दी। बाद में पीछे से आने वाली ट्रेन 02806 नई दिल्ली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को आरपीएफ स्टाफ के द्वारा चेक किया गया। चेकिंग के दौरान ट्रेन के एक कोच में सह उप निरीक्षक बीएस बघेल तथा महिला प्रधान आरक्षक उषा तिग्गा को विषांकित महिला दिखाई दी, जिसे मोबाइल से फोटो को मिलान कर पहचाना गया। पूछताछ करने पर उप महिला ने रोना शुरू कर दिया तथा दिखाई गई फोटो स्वयं की होना बताया और घर जा रही हूँ बताया। बाद में उप महिला को सहानुभूति पूर्वक महिला प्रधान आरक्षक उषा तिग्गा की सहायता से आरपीएफ थाना नागपुर लेकर आए। बाद में सह उप निरीक्षक बीएस बघेल द्वारा पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम फौजिया बानो मुस्ताफ कुरैशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3 जामा मस्जिद रास्ता महतारा देवी कुगुस जिला चंद्रपुर बताया और इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी। बाद में इसकी सूचना जीआरपी इंदौर क्राइम सेल को मोबाइल पर देने पर उन्होंने बताया कि एएसआई बिजेंद्र सिंह कुशवाहा जीआरपी इंदौर स्टाफ के साथ उप महिला को लेने आ रहे हैं। महिला को आरपीएफ थाने में सुरक्षित रखने हेतु बताया गया। उप महिला को महिला प्रधान आरक्षक उषा तिग्गा की निगरानी में सुरक्षित रखा गया। जीआरपी श्यामगढ़ मंडल इंदौर एएसआई बिजेंद्र सिंह कुशवाहा तथा स्टाफ आरक्षक 97 खलक सिंह जादौन, महिला आरक्षक दीपांकी सोलंकी के साथ आरपीएफ थाना नागपुर उपस्थित हुए तथा बताया कि जीआरपी थाना श्यामगढ़ मंडल इंदौर में उक्त महिला की मिसिंग होने की बाबत रिपोर्ट दर्ज हुई है। दिनांक 17/3/2021 को सीनियर डीएससी भोपाल एसपी जीआरपी भोपाल की तरफ से सीनियर डीएससी नागपुर श्री आशुतोष पांडे साहब को एक मैसेज मिला कि एक महिला जिसके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है श्यामगढ़ में, वो महिला दिल्ली से किसी भी ट्रेन में नागपुर से गुजरने वाली है। ऐसी सूचना मिलने पर सीनियर डीएससी नागपुर श्री आशुतोष पांडे साहब ने आरपीएफ थाना नागपुर में सूचना देने पर आरपीएफ स्टाफ द्वारा उक्त दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को नागपुर स्टेशन पर चेक किया गया, जिसमें जीटी एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को चेक किया गया। तो जीटी एक्सप्रेस में तो कोई मिली नहीं और व्हाट्सएप पे जो फोटो मिली उसके अनुसार फिर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 2806 को नागपुर स्टेशन पर चेक करने पर ये महिला B3 में 44 नंबर पर बैठी हुई मिली, जिसको फोटो को मिलान करके हेड कॉन्स्टेबल उषा तिगा की मदद से नीचे उतारा गया और पूछताछ के लिए उसको आरपीएफ थाना नागपुर में लेकर आए। कहाँ से मिसिंग हुई? ये उसके पूछताछ में पता चला कि इसके घर वालों के साथ अजमेर गई हुई थी, तो अजमेर से वापस आते समय ये जयपुर के आसपास कहीं मिसिंग हो गई थी, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट इन्होंने श्यामगढ़ जीआरपी इंदौर डिवीजन में दर्ज कराई थी। उक्त गुमशुदा महिला आरपीएफ थाना नागपुर द्वारा ट्रेन से उतारी गई, जिसे अपने ताबे में लेने हेतु आए। बाद में जीआरपी श्यामगढ़ की एसआई विजेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा महिला स्टाफ के समक्ष उक्त गुमशुदा महिला का वीडियो बयान उनके द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें उक्त महिला ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होना बताया और गुमशुदगी के संबंध में कुछ नहीं बताया। बाद में एसआई विजेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा बरामदगी पंचनामा बनाया गया, अतः उक्त मामले का घटनास्थल जीआरपी थाना श्यामगढ़ मंडल इंदौर होने के कारण उप गुमशुदा महिला को अग्रिम कार्रवाई हेतु जीआरपी थाना श्यामगढ़ मंडल इंदौर एएसआई बिजेंद्र सिंह कुशवाहा को सुपुर्द किया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज नागपुर।